आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। दोस्तों आज मैं दिखाने लाया हूँ आपको एक रियल का पैलेस, राजा नाहर सिंह पैलेस। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताऊँ मैं आपको, ये बना कहाँ हुआ है? ये हरियाणा में बना हुआ है और बल्लभगढ़ सिटी, छोटा सा शहर है बल्लभगढ़, वहाँ पे ये बना हुआ है। इसकी अगर आपको आने का मैं बताऊँ तो यहाँ अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन का नाम भी राजा नाहर सिंह के नाम से है, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन बल्लभगढ़। सो ये तो इसका लोकेट है और दिल्ली से लगभग ये 30-35 किलोमीटर पड़ता है फ्रेंड्स। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा राजा नाहर सिंह का इतिहास और राजा नाहर सिंह का बलिदान इस देश के लिए, वो सारी चीज़ें बताऊंगा और पूरा आपको महल घुमाऊंगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं अंदर, एक एक चीज़ करके आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये महल की मेन एंट्री है और ये मेन इसका डोर है, आप देखिए। अब यहाँ से मैं आपको अंदर लेके चलूँगा। तो अंदर आते हैं सुरक्षा के हिसाब से ये डोर इस तरीके से बनाया गया था, बहुत बड़ा। तो ये इसके बाद हम अंदर एंटर करते हैं। सबसे पहले एंटर करते हैं, हमको ये देखिए पूरा बड़ा लॉन सा मिलता है। रेस्टोरेंट्स हैं, अभी अंदर भी चल के आपको रेस्टोरेंट भी दिखाता हूँ। तो इसमें गाइस कुछ रूम्स भी हैं, ये एक्चुअली अब जो है ये हरियाणा टूरिज्म के अंदर आ चुका हुआ है। ये पूरा महल जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया है और इसको जो है गाइस एक होटल और एक रेस्टोरेंट के तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। जो यहाँ पे रूम्स भी हैं, यहाँ आके आप रह सकते हैं और एक ऐसा फील ले सकते हैं कि जिस तरीके से राजा लोग रहते थे। अंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं, वो भी आपको दिखाएँ। तो ये देखिए गाइज, ये पूरा एक मैं आपको बीच में से ओवरलुक दे रहा हूँ। ये रेस्टोरेंट्स है ये, और ये अंदर ऊपर टेरिस है, टेरिस भी आपको लेके चलूँगा। ये महल को एक्चुअली क्या है कि नए तरीके से इसको मॉडिफाई किया हुआ है, मॉडिफाई करके जो है इसको अब मैरिजेज में भी इसको यूज़ किया जाता है कि अगर कोई यहाँ पर डेस्टिनेशन मैरिज करना चाहे तो कर सकता है। गाइस अपने आप में एक, जैसे हम कोई भी महल हम देखने जाते हैं तो राजस्थान में जोधपुर में पैलेस हम देखने जाते हैं, तो दिल्ली एनसीआर के पास ही अगर कोई पैलेस देखना हो तो गाइस ये पैलेस बना हुआ है। नाहर सिंह के बारे में मैं अभी आपको पूरा एक इतिहास बताऊंगा। नाहर सिंह जो थे वो अपने आप में बहुत लेजेंड रहे हैं, वो बहुत वीर एक राजा थे। और ये पैलेस जो है ये लगभग 1817 सेंचुरी का बना हुआ है, और 1857 का जो रिवोल्ट था हमारी ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ है इंडिया में, तो उसमें नाहर सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उस समय जो दिल्ली के किंग थे बहादुर शाह जफर, उस समय के टाइम पे अंग्रेज़ों ने कुछ साजिश रची और उनको जो है दिल्ली बुलाया, और उसके बाद इनको चांदनी चौक में मेन चौराहे पर इनको फांसी दे दी गई। राजा नाहर सिंह का के बारे में इतिहास में बहुत ज़्यादा आपको नहीं सुनने के लिए मिलता है, ये भी एक बड़ी आयनरी है। एनीवे ये सारा जो मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन तो दे रहा हूँ, ये अपने आप में हमको बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी बयान करता है। ये गाइस यहाँ का रेस्टोरेंट है, ये आप ओवरलुक लीजिए रेस्टोरेंट की, और यहाँ पे जो रूम्स बने हुए हैं उनका ये डीलक्स रूम है, स्टैंडर्ड डीलक्स है, बुकिंग ले सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं और एक्सपीरियंस ले सकते हैं एक पैलेस का। तो गाइस ये है राजा नाहर सिंह। तो गाइस ये रूम बने हैं, रूम काफ़ी कम है यहाँ पे, लगभग 6-8 रूम है, बट नाइट स्टे करते हैं जो भी लोग, काफ़ी एंजॉयमेंट करते हैं। ये बाहर लॉन सा भी दिया हुआ है, तो यहाँ की वॉर्निंग और नाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग। फैमिली के साथ अगर आप यहाँ पे नाइट स्टे करते हो तो काफ़ी एंजॉय करोगे, एक पैलेस में रुकने का, पैलेस में फील लेने का, तो एक अलग ही बात है गाइस। तो इस समय मैं टेरिस में हूँ, एक बालकनी सी बनी है छोटी यहाँ पे, यहाँ से आप ओवर लुक लीजिए पूरा, वही पूरा महल का स्ट्रक्चर। ये देखिए सामने, इसे मैं पूरा टॉप पे हूँ फ्रेंड्स, ये आप देखिए यहाँ से पूरा महल,
मीन्स आप पैलेस का लुत्फ लीजिए, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ से पैलेस। देखिए गाइस क्या नक्काशी हो रखी है, बहुत अच्छा गुड फील आ रहा है। देखिए तो गाइस कैसा लगा मेरे साथ ये सारा महल घूम के, ये पैलेस काफ़ी अच्छा बना हुआ है और हरियाणा गवर्नमेंट ने एटलीस्ट कम से कम इसको एक अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ जैसे मैरिजेज होती हैं या कुछ रेस्टोरेंट्स बना हुआ है, होटल बन गया है, तो एटलीस्ट कम से कम ये प्रॉपर जो है एक मेंटेन की पोजीशन में रहता है। सो गाइस अगर आप यहाँ पर आते हो थोड़ा अच्छा एक आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा और रहना चाहो तो बहुत मज़ा आने वाला, एक डेस्टिनेशन एक अच्छी सी है कि आप यहाँ आके रह सकते हो। सो गाइस कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट शेयर लाइक जरूर करके मेरे को बताना, और सब्सक्राइबर नहीं किया गाइस तो सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से। जल्दी से मिलूंगा आपके साथ नए डेस्टिनेशन।